तो दोस्तों मैं आज आपको नेपाल में लेके चल रहा हूँ काफ़ी अच्छी जगह पे, तो आप वीडियो में बने रहिए, हर चीज़ की आपको जानकारी दिखाएंगे, नेपाल के बारे में जरूर बताएंगे ज्यादा से। दोस्तों हमारे ब्लॉग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं भुटवल में पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे हमारी टीम जो है पहुंच चुकी है, यहाँ पे घूमेंगे, आपको पूरा नजारा दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नीचे का एरिया दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सब हमारे गैंग है। जरा इधर दिखाइए, देखिए वो जो वायर वाला दिख रहा है, ये साइड भी दिखाइए, वो जो वायर दिख रहा है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे जो है काफी मजा आने वाला है। तो भाई यहाँ पे हम लोग को बहुत ही मजा आ रहा है, अगर आप इंडिया से हैं तो जरूर यहाँ पे घूमने आइए, क्योंकि ये भुटवल जगह है जो बहुत ही अच्छी घूमने वाली जगह है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, देखिए आपको पूरा नीचे का एरिया दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है। तो भाई यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है घूमने में। देखिए यहाँ पे हमारे दोस्त लोग सब सेल्फी ले रहे हैं, भाई बहुत ही अच्छी एरिया है। तो चलिए भाई अभी हमारी एंट्री अंदर हो रही है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। यहाँ से भाई हमको पहले टिकट निकालना है। नमस्कार, तो भाई मेरा फिलहाल टिकट निकल चुका है, अब यहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो भाई टिकट हमको मिल चुका है, तो अभी हम केबल वाले पे जा रहे हैं, अभी हम केबल के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से काफी ऊपर हमको जाना पड़ेगा, पूरा आपको दिखाएंगे यहाँ का एंजॉय कैसा है। तो भाई जाने कौन से एरिया में पड़ता है? भुटवल में 1 किलोमीटर के अंदर ही जो, अरे जुबेर भाई जो है काफी फार्म में बहुत आगे आगे जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी जो है भाई, बहुत ही चढ़ान है, चढ़ के जाना पड़ रहा है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा यहाँ का दिखाएंगे, आप यहाँ पे घूमने आ सकते हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। चलिए अभी अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, टेबल पे यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे सर टिकट चेक करेंगे। सर नेम नेम व्हाट इज नेम? गोपाल शर्मा। आइए, हमारे साकिर भाई अभी पीछे हैं। यहाँ पे भाई सब लोग इतने जल्दी में मुझे भी छोड़ के भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। भाई यहाँ पे बैठ गए हैं हम लोग, अब यहाँ पे साथ में बैठेंगे। अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, भाई यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, भाई बहुत ही मजा आ रहा है। अभी हम सब वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, भाई कितनी खूबसूरत जगह है, भाई देखिए यहाँ पे कितना शानदार है पूरा एरिया कैसा है, कितनी खूबसूरत जगह है, वाह वाह मजा ही आ गया भाई, बहुत ही अच्छी जगह है भाई, मजा ही आ गया सच में। नीचे देखो घाई है पूरा, बैठे रहो, मैं रिकॉर्डिंग जिसको बनाना, यहाँ पे हर किसी के अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ भी बोलने। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुकून का एरिया लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, कितना प्यारी जगह लग रहा है, ऐसी जगह पे घूमने में काफी मजा आता है। इस साला अपने अपने ही लाइन में आ रहा है भाई, चुस्त क्या वो जा रहा है भाई, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ जा रहा है कि। अब देखो वहाँ पे साइड में पेड़ के बगल में देखिए एक बहुत बड़ा जिगर है, लेकिन भाई आपको आगे दिखा रहा हूँ, पूरा दिखा नहीं सकता। यहाँ पे जो हमारे फुरकान भाई है भाई बहुत ही डर रहे हैं, इनको इतना तो डरना नहीं चाहिए, हत्था खाकर देखो कैसी बॉडी है, लेकिन भाई फिर भी डर रहे हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है भाई, इसमें डरने की कोई ऐसे नहीं कुछ है। ये देखो पूरा एकदम, ये तो कहानी है, देखो कितना इधर भाई मच्छी, बहुत बड़ी बड़ी मच्छी है, सांप जो जो भी कुछ दिख रहा है वो देखो आजकल हुकूमत है। तो भाई अगर आप नेपाल में आते हैं भुटवल में, अगर ऐसी जगह पे आप घूमने के लिए नहीं आए तो समझो कहीं घूमे ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी आनंद मिलता है घूमने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी ठंडक भी रहती है, ऐसी जगह पे जरूर घूमने आए। भाई यहाँ पे पूरा आवाज आ रहा है, केबल का आवाज आ रहा है, यहाँ पे पूरा भुटवल दिख रहा है, देखिए यहाँ इतना ऊपर हम लोग, तो बैठ के कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है भाई? फुल एंजॉय है यहाँ पर भी, यहाँ पर जरूर है, नहीं नहीं जरूर आए, इस जगह पे जरूर आए, ऐसी जगह को मिस करोगे तो आप नेपाल में कोई ऐसा जगह नहीं देख पाए, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जरूर आइए, ऐसी जगह को लाइक करिए, प्रमोशन करिए और फुल एंजॉय करिए।
ये रनिंग झूला है केबल वाला, इसमें आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आधा घंटा का सफर रहता है लेकिन फुल पहाड़ों के ऊपर ये जगह के जगह तो काफी अच्छा है। घूम के कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर नीचे देखने में बस फटी जा रही है और कुछ नहीं, हालत खराब है। और बहुत हाइट है और काफी लंबा केबल कार है, इतना लंबा केबल कार आज तक नहीं देखे हमने। बहुत सफर किए पर ये सबसे लंबा देखा अपनी लाइफ का। देखिए आपको पूरा एरिया का दिखा दो, नीचे का देखिए, ऊपर ज़ूम करके दिखाता हूं। नीचे मत दिखाओ, नीचे गांड फट रही है। 1.5 किलोमीटर दूर रहेगा, देखिए आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। 2 किलोमीटर नहीं ऊपर रहेगा भाई, हाइट 20 मिनट चल रहे हैं आप उन लोग। अभी 20 मिनट से हम लोग सिर्फ चल ही रहे हैं और 15 मिनट लगेगा ऊपर पहुंचने को। भाई यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के लिए जिस हिसाब से हम लोग आए थे वहाँ पे वो काफी मजा आया। अभी हम लोग मसाज के लिए जाएंगे, यहाँ पे मसाज के साथ क्या क्या मिलेगा नहीं भाई, हम लोग मसाज साज के लिए मसाज नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खाली लोग सोच रहे हैं, लोगों के अंदर गलत फहमी है, हम लोग सिर्फ घूमने आए, यहाँ पे मसाज हमको नहीं करवाना है। अभी हम पहुंचने वाले हैं, लास्ट स्टॉप पे आ चुके हैं। मतलब केबल वैसे तेज चल रहा था लेकिन बीच में इसके लिए पता नहीं चल रहा था। देखिए अभी हम पहुंचने वाले हैं भाई, यहाँ पे जाके ज्वाइंट खत्म हुआ इसका। भाई हम पहुंच गए हैं नीचे, भाई इतना खूबसूरत जगह है भाई, यहाँ पे इतना ठंड है, यहाँ पे भाई ऐसा ठंडी भी लग रहा है, मौसम भाई काफी अच्छा है। नीचे का एरिया दिखा रहे, देखिए हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं भाई। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय के लिए भाई बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे। चलिए भाई अभी हम ऊपर आपको लेके चलेंगे पहाड़ पे, वहां पे दिखाएंगे और ऊपर लेके। यहाँ पे भाई जो ठंडक है ना, इतना ठंडक है भाई, कैसे ठंडी लग रहा है। देखो भाई हाथ का रोवा देखो कैसे खड़ा हो गया। अभी हमको और ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से, मंदिर जाने बाटो। देखो भाई यहाँ पे मंदिर जाने बाटो, ये कितना स्टेप है। दूसरा टिकट लेना पड़ेगा भाई, एक टिकट का कितना लगा भाई? 750 इंडियन 750 रुपया एक टिकट का। फुरकान भाई को बहुत ही दिक्कत हो रही है चढ़ने में, कहूँ भाई नीचे आपको दिखाता हूँ भाई, जिसको फ्रेश होना है यहाँ पे फ्रेश हो सकता है। अभी ऊपर जाना है और ऊपर जाना है आपसे, कैसा लग रहा है भाई जाना बताइए? लग रहा है बहुत बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ पे जरूर घूमने आए जो भी आता है भुटवल की ये जगह। अगर जो मिस किए तो समझ लो कुछ भी नहीं घूम पाए। कौन से दौड़ते हैं आप? मैं कछुए की दौड़ दौड़ता हूँ। वाह देखिए, ये पहलवान भाई को साथ में लेके आ गए हैं। भाई इतना ठंडक है यहाँ पे कि आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जो रास्ता दिख रहा है पोखरा जाने की रास्ता है। पोखरा अगर आपको जाना है तो रास्ते से जा सकते हैं, यहाँ से बहुत ही पतला रास्ता है। यहाँ का जो हवा है भाई, मौसम बहुत खूबसूरत मौसम है यहाँ का। आइए भाई यहाँ का जो मौसम है भाई बहुत अच्छा है, अगर आप घूमना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे घूमने के लिए जरूर आए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत पैसा भी नहीं लगता। आप अगर जिम 20,000 भी रखते हैं तो आप अच्छे से घूम सकते हैं पूरा नेपाल। तो यहाँ पे हमारे दोस्त लोग भाई बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा। अभी सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। ये हमारे फुरकान भाई है भाई, इनका वेट 180 किलो है तो इनको थोड़ा संभाल के लेके जाना पड़ रहा है। अभी देखिए अभी पूरा बन रहा है, टेरिस के लिए भाई बना रहे हैं सब, बहुत अच्छी जगह घूमने उमने के लिए। बहुत अच्छा है वलुल्ला भाई, आज घूमने आए नेपाल, बहुत मजा आ रहा है। हमारे भाई यहाँ पे देखिए यहाँ का नजारा पहाड़ के ऊपर कुछ अलग ही दिख रहा है, आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर काफी पुराना घर दिख रहा है भाई, पीछे पीछे कुत्ता भी आ रहा है, कुत्ते से तो ऐसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे थोड़ा आगे ही जाना पड़ेगा। देखिए भैया जो घर है भाई काफी पुराना पुराना घर लग रहा है, गौतम बुद्ध भगवान। देखिए भाई गौतम बुद्ध भगवान है जो कि यहाँ पे उनकी मान्यता बहुत ही ज्यादा है।
गए, वो देखिए जो आपको रास्ता दिख रहा है पतला पतला, वो पोखरी जाने का रास्ता है। तो भाई ये जो पहाड़, यही रास्ता है जो पहाड़ के ऊपर से जाते हैं। तो भाई यहाँ पे काफी लोग जाते हैं तो रिटर्न हो जाते हैं, डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पाथर रहता है ऊपर ऊपर, वो पाथर गिरते रहता है, इसके लिए पोखरी जाने के लिए काफी लोग डरते हैं। तो अभी टूरिस्ट के लिए भाई फिलहाल रास्ता बना दिया यहाँ पे, ताकि हर टूरिस्ट अभी घूम सके। तो यहाँ पे जो इंतजाम भाई बहुत ही अच्छा इंतजाम किए हैं घूमने के लिए। तो नेपाल में भाई यहाँ आए तो भुटवल उटवल घूमने जरूर आए, क्योंकि यहाँ की भाई टूरिस्ट के लिए भाई बहुत अच्छी अच्छी जगह बना दी है घूमने के लिए। तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं भाई, यहाँ की खूबी जो है भाई बहुत अच्छी। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी एसी लगी हुई है, सर एसी है भाई, बहुत ही बड़ी बड़ी एसी लगी हुई है। यहाँ पे वैसे टाइगर आया तो ये अपना पहलवान है भाई, जो इनको ये मूवी में भी काम कर चुके हैं। तो भाई हम लोग के साथ अगली बार जोगिंदर भाई भी आने वाले हैं। यहाँ की जो अच्छाई है भाई बहुत ही अच्छाई, अगर यहाँ पे आप इंडियन पैसा लेके आते हैं तो यहाँ पे इंडियन पैसा भी ले लेंगे, ऐसे वो आई भाई नहीं करेंगे कि नहीं मुझे नेपाली पैसा चाहिए। तो भाई अभी हम रिटर्न जा रहे हैं, घूम चुके हैं, अभी जाने जाते समय टिकट तो वापस दिखाना पड़ेगा। तो ये टिकट है भाई, कब आया? अभी आया, अभी आया। भुटवल घूमना है या पोखरा घूमना है? फुलवारी जाइए, वन भाटिका जाइए, और हिल पार्क जाइए, और लुम्बिनी जाइए। घूमने के लिए जगह बहुत अच्छी अच्छी जगह बता रहे हैं, घूमने के लिए जगह बता रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है घूमने के लिए। राजमार्ग चौरासी नीचे लेफ्ट साइड में अमन पाटिका करके कोई जगह भाई यहाँ पे हमको बता रहे हैं घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह। चलिए भाई जा रहे हैं भाई यहाँ से, काफी स्पीड से जा रहा है। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं भाई, रिटर्न देखिए कैसा दिख रहा है, पूरा एकदम नीचे जा रहे हैं यार भाई। तो भाई अभी भी आप देख ही सकते इस वीडियो में भाई जगह कैसी दिख रही है भाई, सीधा एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। अभी हम वापस वहां से निकल चुके हैं रिटर्न भाई, काफ़ी सुकून लग रहा है यहां पे, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो भाई अभी देख ही सकते हैं यहां पे सब लोग बहुत ही खुश हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा प्लानिंग भी चल रहा है। अभी हमको कहाँ पर घूमने के लिए जाना है तो काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ज़रूर घूमना है। तो भाई अभी हमारा प्लानिंग हो गया हमको कहाँ घूमने के लिए जाना, तो सबसे पहले हम यहाँ से फुलवारी के लिए जाएंगे भाई, फुलवारी में काफ़ी मज़ा आता है घूमने के लिए। तो भाई वहाँ पे शेर और हर एक जानवर देखने को मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने की मिलेगी। तो ज़रूर वहाँ पर जाएंगे, आपको हर चीज़ दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए भाई। क्या कहना चाहते हो बताइए जरा दर्शक के लिए, जैसे कोई अगर यहाँ पे घूमने आना चाहे तो क्या दर्शक? पहले तो छोटे दिल वाले ना आए, बड़े दिल वाले आए, बड़े दिल वाले आए भाई। नीचे का एरिया देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, पे दिख रहा है वहाँ पे देखिए वो जो है छोटा सा पतला सा वो रास्ता है, ब्रिंग मरेगा, ब्रिंग मार के स्लो किया। तो अभी हम नीचे पहुँचने वाले हैं भाई, देखिए कैसा दिख रहा है नीचे का, देखिए पूरा भुटवल दिख रहा है, सब एक ही जैसा घर है, जितना घर दिख रहा है सब एक ही जैसा घर है देखिए। तो अभी हम नीचे पहुंचने वाले हैं, फिर आपको नीचे का एरिया दिखाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे हम सीधा फुलवारी में जाएंगे, फुलवारी का नज़ारा पूरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ आपको दिखा सकते हैं। निकल रहे हैं यहाँ पे पब्लिक आना काफ़ी चालू हो चुके हैं, हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे भाई पूछ रहे हैं फोटो निकालना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फोटो निकलवाना चाहता है तो निकलवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फोटो का चार्ज नहीं लगता, फ्री में फोटो निकालते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो फोटो निकलवा सकते हैं। तो अभी सीधा नीचे जा रहे हैं हम, तो भाई यहाँ पे हमारी पार्किंग, हमारी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं फुलवारी घूमने के लिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको दिखाएंगे।